हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? सो दोस्तों, आज है स्वतंत्रता दिवस। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। और तो दोस्तों, आज थोड़ा सा समय था, क्लासेस में ले नहीं रहा हूं, तो मैंने सोचा कि आज कुछ पर्सनली वीडियो अपनी बना के अपलोड कर दूं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट की मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं, पर जो भी आप सभी की डिमांड होती है कि सर अपना वीडियो शूट करके आप दिखाइए, अपना खुद चला के दिखाइए, तो आज मैं आपको पार्किंग की वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कार को कैसे पार्किंग करते हैं, टर्निंग पे किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, कार को बैक करते वक्त हमें अपने राइट वाले ओआरबीएम को देखना चाहिए, लेफ्ट वाले ओआरबीएम को देखना चाहिए, लुकिंग ग्लास में देखना चाहिए या हमें कैमरे में देखना चाहिए। तो आज मैं 3-4 चीजें बताऊंगा, आप जबरदस्त की वीडियो होने वाली है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाड़ी अभी मेरी खड़ी है पैरेलल पार्किंग में। तो पैरेलल पार्किंग में गाड़ी को निकालने के लिए सबसे पहले मैं करता हूं बैक, बैक गियर डालता हूं, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी मेरे एक गमला है, तो कहीं उसमें छू ना जाए, हल्का सा मुझे पीछे जाना है बस। अब मैंने क्या करा, राइट का दिया सिग्नल और फर्स्ट गियर कर दिया, अपने राइट वाले ओआरबीएम को मैंने सेट कर लिया मेरी हाइट के अकॉर्डिंग है, लेफ्ट वाला भी मेरी हाइट के अकॉर्डिंग है और ये जो लुकिंग ग्लास है ये भी। अब मैं लेफ्ट और राइट वाले ओआरबीएम और लुकिंग ग्लास इन तीनों जगह, फ्रंट में भी मेरी नजर है और साइड में भी। अब मैंने 90 डिग्री से स्टीयरिंग को कर दिया पूरा राइट टर्न। अब मैंने थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाई और हल्का सा, क्योंकि यहां पे देखेंगे अगर, देखिए लेफ्ट साइड में जो ये पेड़ लगा है, ये लेफ्ट वाला, यहां पे देखेंगे अगर लेफ्ट वाला जो ये पेड़ लगा, तो यहां पे गाड़ी मेरी सट के जा रही थी, एकदम टच होके जा रही थी। अभी गाड़ी मैंने 90 डिग्री से जब घुमाया तो पूरी गाड़ी मेरी टर्न हो गई। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि बैक करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे सपोज मेरी गाड़ी अभी यहां पे खड़ी है, इस पॉइंट पे खड़ी है, अब इस गाड़ी को मुझे लेके जाना है इस साइड, इसका फेस इधर करना है, फ्रंट है, तो कम जगह में गाड़ी को टर्न करने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले मैंने अपने राइट वाले ओआरबीएम को चेक किया, अब लेफ्ट वाले, तो सबसे ज्यादा जगह राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कम है, तो राइट साइड में ज्यादा जगह, तो हमें क्या करना, कम जगह में अगर गाड़ी घुमानी, तो मैंने डाला यहाँ पे बैक गियर, स्टीयरिंग को कर दिया पूरा 90 डिग्री से लेफ्ट। अब मैं अपने लेफ्ट वाले ओआरबीएम को भी चेक कर रहा हूं और कैमरे को भी देख रहा हूँ, दोनों चीज को देख रहा हूँ। तो मैंने अपने लेफ्ट वाले ओआरबीएम को देखा, लेफ्ट वाले ओआरबीएम में मुझे नजर आ रहा है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पीछे एक पेड़ लगा हुआ है उसका गमला है, और धीरे धीरे मैं पीछे जा रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं देख पा रहा हूँ, ये अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी मुझे नजर आ रहा है, ये जो रेड वाली लाइन है बस वहां तक हमें जाना है, इससे आगे नहीं जाना। अब बस इतनी गाड़ी हमको पीछे, बस अब इससे ज्यादा नहीं है। अब राइट साइड में इतनी स्पेस है कि मैं गाड़ी को यहाँ से टर्न कर सकता हूँ, तो मैंने राइट का सिग्नल दिया, पूरा स्टीयरिंग खड़ी गाड़ी पे। जो विगनर होते हैं वो गलती यही करते हैं, गाड़ी को चलाते चलाते स्टीयरिंग घुमाते हैं। पहले मैंने पूरा स्टीयरिंग घुमा लिया, अब इसको कर दिया न्यूट्रल फर्स्ट गियर में करके, और पूरा 90 डिग्री से मैंने गाड़ी को टर्न कर दिया। ये देखो अब ये गाड़ी मेरी आगे गई। अब ये जो फ्लैग रॉड लगा है, इससे हमें ये पता चलता है कि गाड़ी का जो बोनेट है और आगे जो ये पेड़ लगा है, क्योंकि ये जो फ्लैग रॉड लगा है ये फेंडर लाइनिंग पे लगा है, फ्लैग रॉड से 3 फीट गाड़ी की बॉडी आगे है, तो अब इससे ज्यादा अगर मैं आगे ले जाऊंगा तो गाड़ी टकरा जाएगी। मैंने बैक गियर डाला, पूरा स्टीयरिंग फिर 90 डिग्री से मैंने लेफ्ट घुमा दिया पूरी तरीके से। अब ये मेरी गाड़ी कैमरे में भी नजर है, लेफ्ट वाले ओआरबीएम में और लुकिंग ग्लास में भी। सारा जो गेम है वो नजरों का है। गाड़ी वापस रोड पे आ गई, बस हमें उतनी गाड़ी पीछे ले जानी जितने में आगे स्पेस मिल जाए। कुछ लोग क्या बहुत ज्यादा पीछे चले जाते, नहीं, हमें सिर्फ उतनी गाड़ी पीछे ले जाना जितना स्पेस हमें आगे चाहिए। फिर मैंने न्यूट्रल करा, फर्स्ट गियर कर दिया और स्टीयरिंग को पूरा ये कर दिया सीधा। अब ये गाड़ी मेरी वापस बैक हो गई। ये था कम जगह में गाड़ी को बैक करना, बहुत कम जगह में गाड़ी को टर्न करना, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया। अब जैसे सपोज मान लो मुझे 100-200 मीटर बैक करना है, सपोज 100 से 200 मीटर, तो मैं गाड़ी को करता हूँ लेफ्ट इधर, और मैं आपको 200 मीटर अप्रोक्स बैक करके दिखाऊंगा। अब गाड़ी कर दी मैंने यहाँ पे सेकेंड गियर में, अब ले लेता हूं मैं इस साइड, और आपको कम से कम 100 से 200 मीटर में बैक करके दिखाऊंगा रिवर्स में, और टिफिकल बैक करके दिखाऊंगा। अब ये गली आपको दिख रही है राइट साइड वाली, इस गली में मुझे गाड़ी को लेके जाना है, तो बैक करने का जो पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने कर दिया इसको न्यूट्रल, तो मुझे राइट वाली गली में जाना है, कार को लेके जाना राइट साइड में, तो मैं राइट वाले ओआरबीएम को चेक करूंगा, लेफ्ट वाले को भी चेक करूंगा, क्योंकि गाड़ी की लंबाई ज्यादा है, 16 से 17 फीट, चौड़ाई है 8 से 10 फीट। अब मैंने दिया राइट का सिग्नल और राइट वाले ओआरबीएम, मैंने डाला यहाँ बैक गियर और गाड़ी को धीरे धीरे पीछे, क्योंकि पोल है मेरे राइट साइड में। अब मैंने गाड़ी को यहाँ से कर दिया पूरा 90 डिग्री से टर्न, पूरा फुल 90 डिग्री से मैंने टर्न कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीछे चैम्बर है सीवर का, गाड़ी धीरे धीरे मेरी पीछे जा रही, स्पेस थोड़ा इधर ज्यादा हो गया, बट गाड़ी मैंने 90 डिग्री से टर्न करा, तो अभी गाड़ी मेरी रोड पे ही है जी। अगर यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये हो गई गाड़ी मेरी सीधी। अब मैंने कर दिया इसका स्टीयरिंग एकदम सीधा, अभी गाड़ी मेरी सीधी जा रही। तो एक तो तरीका ये था
अपने लेफ्ट और राइट वाले ORBM को चेक करके एक तरीका मैं आपको बताता हूँ अगर लंबा आपको बैक करना है तो। अभी नॉर्मल मैं आपको बैक करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि थोड़ा सा ये देखो गाड़ी पीछे जा रही है, अब मैं अपने लेफ्ट वाले ORBM को भी देख पा रहा हूँ, राइट वाले ORBM, राइट साइड मेरी जगह ज्यादा है, लेफ्ट साइड कम है, तो मैंने क्या करा हल्का सा स्टीयरिंग को राइट घुमा दिया, अब गाड़ी मेरी हो गई सीधी, अब ये मैंने स्टीयरिंग सीधा कर लिया, तो अभी जो स्पेस है वो राइट में ज्यादा है, लेफ्ट में कम है, क्योंकि लेफ्ट वाले ORBM में मुझे ये दिख पा रहा है कि लेफ्ट में लगभग 2 फीट का मार्जिन है, राइट साइड में कम से कम 6 से 7 फीट का मार्जिन। मैंने हल्का सा स्टीयरिंग राइट घुमाया और कैमरे में भी आप देख सकते हैं, लेकिन कैमरे में बहुत कम यूज करता हूँ कैमरे को, तो ये गाड़ी मेरी आ गई लगभग लगभग करीब 20 से 30 मीटर पीछे बैक में आ गई। अब मैं यहां तक लेके आ गया गाड़ी, अब मुझे इसको रिवर्स में लेके जाना है लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड में गली आ रही है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने लेफ्ट वाले ORBM को मैंने चेक किया, 90 डिग्री से स्टीयरिंग पूरा घुमा दिया, मैंने अभी एक बार भी गर्दन पीछे नहीं घुमाई, मैं सिर्फ मिरर को देख के चेक करके गाड़ी टर्न कर पा रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो ये मैंने पूरा 90 डिग्री से स्टीयरिंग को लेफ्ट साइड में टर्न कर रखा है, पूरा फुल ये गाड़ी मेरी पूरी 90 डिग्री से यहाँ पे टर्न हो पा रही है, और अभी स्टीयरिंग हो गया पूरा सीधा, गाड़ी सीधी हो गई, तो मैंने स्टीयरिंग कर दिया वापस सीधा, तो ये स्टीयरिंग पूरा सीधा हो गया। अब ये गाड़ी मेरी बैक में जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे एक नेक्सॉन खड़ी हुई है, अपने राइट और लेफ्ट वाले। बैक करते वक्त जो न्यू बिगिनर होते हैं उनको प्रॉब्लम क्यों होती है, वो ये नहीं समझ पाते हैं दोस्तों कि उनको कब और किस वक्त किस साइड देखना है। कभी देखना होता उनको राइट तो वो देख रहे होते हैं लेफ्ट, उनको देखना होता बैक साइड या लुकिंग ग्लास में तो देख रहे होते हैं राइट साइड। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि हमें कब और किस साइड देखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि राइट वाले ORBM को देखोगे तो राइट साइड की पूरी पूरी प्रोफाइल आपको दिखेगी, लेफ्ट वाले ORBM को देखोगे तो लेफ्ट वाली पूरी, यहाँ से आपको सिर्फ आपको बैक साइड दिखता है, बट यहाँ पे आप कैमरे में देख सकते हैं। तो मैंने ये गाड़ी धीरे 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 पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ, पीछे मेरे काऊ है बट स्पेस अच्छा खासा है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो था नॉर्मल कट, अब मैं इसको आपको थोड़ा सा लॉन्ग बैक करके दिखाऊंगा, और ये जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ ना ये बहुत कम लोगों को पता होता है। आप 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर जितना चाहे उतना आप बैक में ले जा सकते हैं। मैं आपको प्रॉपरली बैक करके दिखाऊंगा, लंबा बैक करके दिखाऊंगा 200-300 मीटर। तो ये ट्रिक अगर आप अपनाते हैं तो शायद आपको कभी भी कार को बैक करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैंने गाड़ी यहाँ पे रोक दी और ये डाला मैंने यहाँ पे बैक गियर, अब मैंने गर्दन ऐसे घुमा दी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा क्योंकि मैंने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी है, इसलिए क्योंकि अभी मैं कार को बैक करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर चला नहीं रहा हूँ तो इसलिए मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, इसलिए ताकि मुझे गर्दन घुमाने में प्रॉब्लम ना हो। तो अब मैंने क्या करा, मैंने अपनी पूरी गर्दन लेफ्ट साइड घुमा दी। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो अब मुझे क्या है ना, जैसे फ्रंट में अब मैं ऐसे बैठा हूँ तो मुझे दूर तक 200-300 मीटर तक दूर तक दिख रहा है कि सामने क्या है क्या नहीं। अब बात आती तो हम अगर ऐसे हम लुकिंग ग्लास साइड मिरर में देखते तो उतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं मिल पाती। अब अगर हमने ऐसे कर दी गर्दन, अब मुझे प्रॉपरली दिख रहा है, प्रॉपरली दिख रहा है कि गाड़ी मेरी कहाँ, मैंने ये हाथ रखा यहाँ पे स्टीयरिंग पे हाथ, मेरी जो नजर है पीछे है, ठीक है, और मेरी नजर पीछे है और मैं ऐसे देख पा रहा हूँ और धीरे धीरे मेरी गाड़ी पीछे जा रही है। मैं कैमरे को भी नहीं देखूंगा, अब मैं गाड़ी को कम से कम कैमरा सामने की तरफ रखिएगा एकदम, और अब मैं धीरे 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 गाड़ी देखो कैसे मैं लेके जा रहा हूँ। ये अब मेरी गाड़ी, ये मैंने यहाँ से टर्न कर दिया, बैक साइड में मेरा ज्यादा फोकस है, फ्रंट में तो मुझे आइडिया है क्योंकि फ्रंट में मैं तो गया था इसी रास्ते से, इसलिए मुझे फ्रंट का आइडिया है। अब मैंने ये गाड़ी कर दी लंबा, मैं आपको बैक करके दिखा दूंगा 100-200-300 मीटर, ठीक है ना, ये क्योंकि मैंने पूरी गर्दन पीछे घुमा दी, अब मुझे आगे से कोई मतलब ही नहीं। तो बैक करने का जो तरीका, शायद मैं अगर लेफ्ट और राइट वाले ORBM को चेक करता तो शायद इतने अच्छे से मैं बैक नहीं कर पाता। तो दोस्तों पीछे मेरे आ रही थी बाइक, लेकिन मुझे उसका जजमेंट है, क्योंकि जैसे फ्रंट में जजमेंट है वैसे बैक साइड का भी मुझे आइडिया है। मैंने ये गाड़ी कर दी बैक, क्योंकि अगर मैं वैसे नॉर्मल ऐसे गर्दन घुमाता तो शायद मैं नहीं घुमा पाता, मेरी गर्दन अकड़ जाती या जो भी है। तो अब मैंने देखो कितना लंबा बैक करके दिखा दिया, अब गाड़ी मैंने कर दी यहाँ होल्ड, रोक दी गाड़ी। तो ये अगर मैं ऐसे बैठूंगा तो मैं इससे ज्यादा गर्दन अपनी नहीं घुमा पाऊंगा, अगर मैं थोड़ी देर तक ऐसे घुमाऊंगा तो शायद ये मेरी नस खिंच जाएगी या मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे जब हम बेल्ट खोल देते हैं और ऐसे अपनी बॉडी कर लेते हैं तो हमें प्रॉपर 300-400 मीटर तक तो बैक करने की जो ट्रिक है, ये चीज अगर आप अपनाएंगे लॉन्ग बैक करना, अगर किसी पतले रास्ते में गाड़ी बैक करना, किसी ऐसी जगह आप फंस जाते हो जहां पे कार को आप यू टर्न नहीं कर सकते, घुमा नहीं सकते, बैक में ही लेके जाना, तो आप इस ट्रिक को अपनाइएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।